2022 के भावी मुख्यमंत्री
से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कठिन परिस्थितियों में आपके बीच में आना हुआ। कल से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी 64 दिन के यात्रा पे निकले हैं। कल जनपद सीतापुर में हम लोग थे, रात 7:30 बजे तक पांचवी सभा करके और रात भर चलने के बाद आपके इस ऐतिहासिक सरजमी पे पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। इतनी तादाद में इन नौजवानों का हुजूम केवल बिरहा सुनने नहीं आया, ये किसानों का हुजूम केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनने नहीं आया, कहीं न कहीं से लोगों के मन में कसक है कि वो आवाज भी सुननी है जो आवाज 2022 के विधानसभा में नौजवानों और बुजुर्गों की रहनुमाई करने का काम करेगी। इस उम्मीद के साथ हम आपके बीच में अपने गीतों की शुरुआत करेंगे। इस मंच पर साहिबे विराजमान हमारे छोटे भाई जिन्होंने कार्यक्रम करने के लिए लगातार परेशान थे। अच्छा, अगर दर्शन में थोड़ा सा भी अगर ढीला हुआ होता तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। 10 बार 15 बार टेलीफोन गया। दुर्भाग्य ये कि कभी हम लोग कार्यक्रम में थे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहां थे, कभी पार्टी कार्यालय पे थे, मोबाइल कोई और उठाता था। हमारे प्रिय और समाजवादी पार्टी के झंडे को इस्तकबाल करने वाले आपके इलाके के नौजवान नेता जिसने सामंतवाद और पाखंडवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के मजबूती से आपके सामने खड़े हैं, भाई संतोष यादव पूर्व प्रमुखपुर सदस्य जिला पंचायत, मैं आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे साथ आए, सबसे पहले पूरे कमेटी को धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे साथ आए हमारे रिश्तेदार और प्रतापगढ़ जैसी ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाने वाले आदरणीय जिन्हें सोना गुप्ता के नाम से लोग जानते हैं, संजीव गुप्ता सोना भैया को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस मंच पर जब हमारे कलम में ताकत आई, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, तो ये आपके बगल के प्रतापगढ़ के एक नौजवान साथी को और जिसे आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी की गायिका प्रियंका माधुरी, इन दोनों लोगों को हमने अपने कमेटी में प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। हम इन नौजवानों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और शानदार प्रयागराज के धरती के गायक हमारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, उम्र हमसे बड़ी है कि छोटी है मैं असमंजस में रह जाता हूं, मेरी उम्र 36 हो गई, 36 साल, और आप ओरिजिनल बताएंगे तो कहीं कहीं हमसे 2-4-6 महीना बड़े ही निकल जाए। अब सर्टिफिकेट वाला बताएंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। भाई अभय राज यादव और सुंदर गायिका, 4 से 14 तारीख तक कार्यक्रम चला था, जितना ही हुआ केवल एक आदेश पर। इस मंच पर विराजमान है ज्योति यादव और आप सभी सम्मानित सज्जनों को सहृदय प्रणाम नमस्कार। सुंदर गीत आपने सुना, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी का जन्म भी बड़ा कठिन
कठिनाइयों में हुआ। भगवान श्री कृष्ण दुनिया में आराध्य बने, श्री कृष्ण का अनुसरण दुनिया ने किया, लेकिन आप देखिए संघर्ष करने वाला और कठिनाइयों के दौर से गुजर कर निकलने वाला व्यक्ति ही देश और दुनिया में महान होता है। तो बड़ी सुंदर भजन भी सुने आप सब। आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे गीत भी सुना और बैठकर शांति से कार्यक्रम का आनंद भी आपने लिया। शुरुआत करता हूं मैं भी अपने विधा को, जिसे विरहा कहा जाता है, ये विलुप्त हो रही है। भारत की पश्चिमी सभ्यता हमारे इस विधा पर हावी है, लेकिन हम सबने प्रयास किया। हमने कहा इस बार अपने नेता से आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि इस देश में विरहा एक ऐसी विधा है जिसमें हर भाषाएं, हर रस, संगीत का हर तत्व मिलता है। वो कहे कभी मैं सुनता नहीं, लेकिन तुम्हारी गीतें कभी सुन लेता हूं। कहे धर्मेंद्र सोलंकी, यकीन मानो इस बार अगर सरकार 2022 में बन रही है तो उत्तर प्रदेश के जितने भी तुम्हारे बिरहा के कलाकार हैं सबका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, हमारे नेता ने कहा है।